चल चल चल। ओ भाई। तो हे गाइस व्हाट्सअप, एक नया दिन, एक नई गाड़ी और एक नई वाइफ के साथ हम फिर से हाजिर है, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो एक खुराफात जो मेरे दिमाग में आ रही थी और होप कि आपके भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आती होगी, वो कि ऑब्वियसली बात है भाई आती होगी, कि अगर ये जैसी नॉर्मल सी कार है, ठीक है, ये रिवर्स में कितनी स्पीड से जाएगी। अब देखो, जैसे हम इसे जब फ्रंट में चलाते हैं तो इसमें मार्किंग दे रखी है, आप देख सकते हो, कई बार दिखाइए, वैसे फिर से दिखा देता हूँ। मार्किंग इसमें दे रखी है 120 तक की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला दूसरा तीसरा चौथा गियर है उसमें जो है ये जाएगी कितने तक, 120 तक। चार गियर दे रखे हैं 120 ले जाने के लिए और रिवर्स का सिर्फ एक गियर है। तो देखते हैं भाई रिवर्स में कितनी स्पीड तक जाएगी। और भाई ये पूरी प्रिकॉशन के साथ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ आसपास आप देख लो, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ और ये प्राइवेट रोड है, ठीक है, ये प्राइवेट रोड है, कोई भी इसको ट्राई मत करना, डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा मेरी प्रैक्टिस है बैक में इसको करने की, इस वजह से मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ टेस्ट के पर्पज से, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी अभी हो चुका है कांड, यहाँ पे आप देखो ये, और ये पूरी गीली मिट्टी है, ठीक है। यहां तक मैं अभी गाड़ी ले आया था जब रिवर्स में आ रही थी, तो ये वाला पार्ट जो है शायद शूट ना हुआ हो। आप देखो यहाँ पे पूरी गीली मिट्टी है, ठीक है, और ये दलदल देखो कितने कितनी ऊंची भाई दीवार सी बनी पड़ी है, और ये बनाई है इसने, ये यहां से तो निकल गई, आराम से निकल गई। लेकिन अब ये देखो यहां से, अब लाइन से देखो ये जा रही है, कैसी ना कैसी करके हम इसको निकालना है, लेकिन यहां पे आके अब ये फंस गई। देखो बुरा हाल हो चुका है इसका, टायर देखो, आज ही गाड़ी जो है धुलवाई थी अच्छे से, ये वाला टायर भी फंसा था। तो ये वाला टायर तो जो था ये तो भाई पूरा ही स्किड मार रहा था, मुझे स्टेयरिंग में पता चल रहा था कि ये वाला बुरी तरीके से स्किड मार रहा है। और इस साइड से ये वाला, अब ये हाल देखो भाई, हाल देखो इसका, ये आज ही गाड़ी धुल के आई है। यहाँ पे देखो पूरी मस्त क्ले जमी हुई है, यहाँ पे भी जमी हुई है। ये टायर इसलिए गंदा नहीं हुआ क्योंकि ये टायर घूम रहा था यहाँ पे, ये मैंने भाई पहले गियर में लगा के फुल रेस दी इस उम्मीद में ये निकल जाए, और निकल भी गई थी ये। लेकिन फिर ना आगे जाके जब मैं दोबारा बैक वैक करके वो कर रहा था, इसने अब एकदम चीखा है भाई बस, मैंने देखा ये फिर उस पर आ गई। अब भाई व्हील स्पिन हो रहा है, ये निकल ही नहीं रही है, आप कंडीशन देख के बता सकते हो। ये देखो हम यहाँ पे वो रिवर्स गियर वाला वो करने आए थे कि बैक गियर में कितनी स्पीड में जाएगी ये, और ये फंस चुकी है। हम रोड से कम 1 किलोमीटर तो अंदर होंगे ही, आस दूर दूर तक देख लो, आसपास की तो बात छोड़ो, दूर दूर तक कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं। और इसको टो भी अगर करवाना है तो वो भी हम करवा नहीं सकते। यहाँ पे अब इसकी वॉल की वो देखो यार, 1 ईंट के बराबर होगी, देख लो भाई क्या करना है अब। ट्रैक्टर बुलवा ले यार। भाई ये देखो ना, हम लाई भी कहाँ है, यहाँ पे तो पूरी दलदल है, वो देखो वहां पे फिर भी कम है। तो ये वो तो ये कहो ये फ्लो में थी तो निकलती चली गई। अगर वीडियो में उसका पार्ट हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा, और अगर ये और पीछे आ जाती ना भाई खेल ही खत्म था। आपको शायद वीडियो में ना दिख रहा हो, ये देख रहे हो, थोड़ा जूम करके मैं दिखा, यहाँ पे अपने दोनों के सामने देख लेंगे भाई। दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अब बस एक ही रास्ता है कि ये धक्का मारे और मैं फिर से वही करूं भाई, नहीं हिलेगी यार ये, दिखने में हल्की है काफी भारी है। जब इसकी बैटरी खराब हुई थी ना तब भी मैंने इस पर धक्का मारा था, 3 लोग लगे थे धक्का मारने, कपड़े गंदे हो जाएंगे यार पूरा, वो मतलब एक साइड पूरा दबी हुई है ना, अगर वहां पे धक्का मारने से कुछ होना भी नहीं है। देखो किसी की चप्पल पड़ी है, लग रहा है वो फंस गई होंगी इसकी चप्पल, तो वो चप्पल ही छोड़ गया। ये भी पूरी दलदल है यार, हमारी गलती, हम खेत में ले आए वही बारिश के टाइम पे, और मौसम आप देख सकते हो बारिश भी आने वाली होगी। अब पता नहीं करना क्या है, बस मुझे तो ये लग रहा है यहां से वहां तक चली गई, निकल गई थी यार अच्छी खासी निकल गई थी, बट वही ना बैक और आगे उस करने के चक्कर में निकलती है, मैंने फिर से वो करा गाड़ी फंस गई। अब भाई एक काम करते हैं, सुन मैं एक बार जाके फिर से बैक और आगे ट्राई करता हूँ, जस्ट इन केस अगर ये हल्का सा मोमेंटम बनाए तो तू हल्का सा धक्का मार दियो, हल्का सा उसी तरफ से ही,
और कैमरा तू ले ले, थोड़ा सा दिखा रहे थे ना ऑडियंस। हो सकता है, तो कैमरा को चल चल ट्राई करते हैं। ठीक तो भाई, जैसा कि आपने देखा ऐसी सब ऑफ रोडिंग करते हुए गाड़ी इतनी गंदी हो जाती है, नीचे आप देखो कितनी गंदी है, स्मेल वगैरह भी आ रही है, उसका जुगाड़ मैं ले आया हूँ। ये इन्वॉल्व वन का सिट्रस परफ्यूम, जो कि भाई एकदम गाड़ी को बढ़िया कर देगा। इसको ऐसे खोलो, यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा, पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके इसको हटाया। फाइनली इसको भी हटा दिया और लगा दो उसको अपनी गाड़ी में, आपकी गाड़ी भी एकदम मस्त महक जाएगी और ये सारी बदबू जो है वो सब चली जाएगी। आपको भी अगर चाहिए तो आप इन्वॉल्व सेंसर्स पे जाके ले सकते हो मेरा कूपन कोड यूज करके, जो कि है नबील्स गैरेज, जिससे आपको मिलेगा पूरा 10% का डिस्काउंट। सो इसको जल्दी से यहाँ पे लगाया, गाड़ी एकदम मस्त महक गई, जल्दी से जाके ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो भाई अभी यहाँ से ईंट वीट उठाते हैं, थोड़ी ईंट लगा के देखते हैं निकल गई तो मजा आ जाएगा, वरना लास्ट में ये देखो ईंट लगाता हूँ फिर से ट्राई करता हूँ, निकल गई तो मजा आ जाएगा। अब देखो इसको यहाँ रख देता हूँ इससे कि शायद, मैंने बहुत लोगों की वीडियोस में ऐसा देखा कि काम बन जाना चाहिए इससे। अगर बन गया गाइस, आज का यहाँ कभी नहीं आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी ये नहीं बोल रहा, अगर गाड़ी निकल जाए फिर बोलता हूँ। चल मैं ट्राई करता हूँ, तू एक बार वीडियो में कर दियो, अगर हल्का सा पुश देना हो तो दे। ठीक है ठीक है। हाँ आने भाई, बढ़ा रहा हूँ मैं, बढ़ा रहा हूँ। चल 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 कोशिश कर, चल चल चल। ओ भाई ग्रेट सक्सेस, गाड़ी निकल चुकी है भाई साहब। वो भाई भाई निकल गई यार, भाई साहब मेरी सच में फट रही थी यार, अगर नहीं निकलती ना भाई। यार इसकी हालत क्या हो गई है भाई, तू टायर देख रहा है साहब, प्रेशर पंप से भी नहीं साफ होने वाला हो तो। भाई अंदर ना ओवरहीट का साइन सा आ रहा, पता नहीं क्यों भाई। जो भी है जैसा भी है, गाड़ी हमारी निकल गई, हम जो टेस्ट करने आए थे इसको मैं साथ लाया था, अच्छा है ले आया था। अगर मैं अकेला होता ना पता नहीं कैसे ही वीडियो बनाता, कैसे ही गाड़ी निकालता। अब भाई भाई एक्चुअली हाँ यार यार, ये अगर रियर व्हील ड्राइव नहीं होती, अगर इसकी जगह एल्टो 800 कोई सी भी होती यार, हम इसकी वाली गाड़ी ला रहे थे, इसके पास 800 है एल्टो 800, वो ना फ्रंट व्हील ड्राइव है, अगर हम वो ले आते भाई पता नहीं हम क्या करते। आपको यहाँ से रोड दिखेगा भी नहीं, ट्रक वगैरह की आवाज जरूर आती होगी लेकिन रोड आपको दिखेगा नहीं। भाई मान गया यार आज गाड़ी को, सीरियसली हमें लग गया था भाई आज हम यहीं शाम तक बैठेंगे और गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी पता नहीं। भाई मैंने तो अल्टरनेटिव सोच लिया था कि रोड तक जाना है, रस्सी वस्ती मांग ली, ट्रैक्टर भाई ट्रैक्टर किस पास, यहाँ पे कुछ आने भी नहीं वाला। भाई टायर को छू रहा हूँ ना, इतना गर्म हो रहा है टायर, क्योंकि वो इतना ज्यादा इसने स्पिन खाया है, आपको वैसे ही पता चल रहा होगा अगले टायर से और इससे। अब भाई बस जैसे तैसे करके निकल गए। एक भाई साइकिल से जा रहा था रस्सी बांध के, हमने उससे मजाक के उसमें कहा भाई साइकिल से हमारी गाड़ी निकाल दे रस्सी बांध के, वो भी कह रहा है पता नहीं कहाँ से आ गए। तो भाई ये आपने देखा होगा स्टार्टिंग इसकी कैसे हुई थी, रिवर्स गियर में टॉप स्पीड चेक करने से, और एंड कहाँ पे हुई है ये, अब भाई आप ही समझो। बस पता नहीं कैसे निकल गए हम, अब हम जाते हैं भाई अपने काम से, वीडियो नहीं बना रहे, ये वाली आपके लिए वीडियो बन गई हो। तो भाई अगर ये पोस्ट हो गई प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना कि अगर कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे अगली बार से तो उसे क्या करना चाहिए। भाई हमारे लिए तो ईट काम कर गई भाई, पूरा रास्ता निकल गई, लास्ट में आके फंस गई, वो भी मेरी गलती से, मैंने बैक कर दी थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और स्पेशल थैंक्स इसको, जिसकी वजह से ये सब हो पाया, ये नहीं होता तो गाड़ी नहीं निकली होती।